साथियों नमस्कार। भाई बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे और मैं देख रहा था कि जुगाली में बदबू की जो शिकायतें हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा मिल रही है। और हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने, आप सभी को पता है कि जब भी आप रामावत वेट ज्ञान लिख करके कमेंट करेंगे ना, तो उस कमेंट को हम वीडियो के माध्यम से आपको आंसर जरूर देंगे, अगर वीडियो पहले बना हुआ नहीं है तो। सर इन्होंने लिखा है, हमारे सब्सक्राइबर भाई है रजत वर्मा जी, इन्होंने लिखा है रामावत वैट ज्ञान सर, काऊ की जुगाली के से बैड स्मेल आ रही है, राफोनिल से डिवॉर्मिंग भी कर दी और लीवर टॉनिक भी दे दिया है, क्या करें सर। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी समझदारी की, जब भी बदबू आती है तो ये जो चीज़ है शुरुआत वाली, इसको आपको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर वन चीज़ क्या है, और वो है डिवॉर्मिंग। और इन्होंने वाकई बहुत अच्छी डिवॉर्मिंग की दवा इस्तेमाल की है, जो आपको भी करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पर है, और वो है लीवर टॉनिक, यानी इन्होंने लीवर टॉनिक भी दे दिया है। तो भाई लीवर टॉनिक कोई अच्छा सा ब्रांडेड दे दीजिएगा। तो लीवर टॉनिक आपने दे दिया और डिवॉर्मिंग आपने करवा दी, तो एक अच्छा काम आपने कर दिया। लेकिन इसके बाद मिनरल मिक्सचर, तीसरी जो प्रमुख इसके लिए चीज़ ज़रूर होती है वो होती है फ्रेंड मिनरल मिक्सचर। तो ये जो मिनरल मिक्सचर है, आप किसी भी कंपनी का अच्छा सा मिनरल मिक्सचर ला करके आप 50 ग्राम रोज मिनरल मिक्सचर भी दीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग एक बार करवाई जाती है, भूखे पेट दी जाती है। लीवर टॉनिक 10 दिन तक दिया जाता है, 50 से 100 ml ले सकते हैं और 10 दिन तक देंगे। और इधर मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम रोज देंगे, ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो सभी फॉलो करते हैं, और यहाँ हमारे रजत वर्मा जी ने भी फॉलो किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बदबू नहीं रुक रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। एक छोटी सी बात है मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसको हम बोलते हैं रूमिनल पीएच, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी रूमिनल पीएच अम्लीयता और क्षारीयता का जो मापक होता है। एक्चुअली रूमन की पीएच जो होती है वो 6 से 7 जो होती है वो नॉर्मल मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 6 से 7 नॉर्मल मानी जाती है। तो आप यही काम करें कि अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से पीएच की जांच करवाएं, ठीक है। अगर आप पीएच की जांच करवा लेंगे, बाय द वे 6 से कम आ रही है इसका मतलब एसिडोसिस है, और 6 से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब एल्कलोसिस है। अगर 6 से कम आ रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको खाने में खली थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी चाहिए। यानी क्या करना है यहाँ पर, अगर ये आ रही है तो आप खाने में खल थोड़ी ज़्यादा ऐड कीजिए, तो अपने आप धीरे धीरे ये स्थिति कंट्रोल हो जाएगी और एकदम से ठीक हो जाएगी। और अगर बाय द वे रूमन की पीएच ज़्यादा आ रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अनाज थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि अनाज जब आप देंगे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जाएगा तो रूमन की पीएच को कम करेगा। और अगर मान लीजिए पहले से रूमन की पीएच कम है तो आप खली दीजिए, खली यानी कि ज़्यादा प्रोटीन जाएगा, तो प्रोटीन जाएगा तो रूमन की पीएच को बढ़ाएगा, तो अपने आप पीएच रेगुलेट हो जाएगी। तो ये काम आप खल और अनाज दे करके कर सकते हैं। तो ये अगर आपने जाँच करवा ली तो बेटर, अगर जाँच नहीं भी करवाई है तो आप सोचिए क्या आप खली ज़्यादा दे रहे हैं या अनाज ज़्यादा दे रहे हैं। अगर अनाज ज़्यादा दे रहे हैं उसको कम कर दीजिए, खली को थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो अपने आप ये जो स्मेल वाली प्रॉब्लम है वो मिट जाएगी। इसके अलावा कोशिश करें कि जो चीज़ें अच्छी खिलाएं, एक्चुअली सड़ी गली चीज़ें कुछ आ रही है, फंगस लगी हुई कोई चीज़ आ रही है खाने में, तो उसको आप अवॉइड कीजिए, उसको टाल दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आप रूमन की पीएच को कंट्रोल करने के लिए मीठा सोडा और जामुन का सिरका भी दे सकते हैं। यानी मीठा सोडा, जब रूमन की पीएच कम हो जाती है तब हम मीठा सोडा 50 ग्राम रोज़ देते हैं, अगर ज़्यादा ही कम हो जाती है तो 100 ग्राम भी दे सकते हैं, 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को। इसी तरीके से अगर मान लीजिए रूमन की पीएच ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादा पीएच को कम करने के लिए हम जामुन का सिरका भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जामुन का सिरका। तो ये आप काम कीजिए, पीएच की जांच करवाइए। और अगर पीएच की जांच की सुविधा नहीं है तो कुछ दिन आप अनाज बढ़ा करके देख लीजिए, होता है वेल एंड गुड। अगर ज़्यादा तकलीफ बनती है तो फिर खली को बढ़ा करके देख लीजिए, यही नहीं तो कुछ दिन मीठा सोडा दे करके देख लीजिए, क्योंकि वो फिर अंधेरे में तीर मारना होता है। और अगर पीएच का एग्जैक्ट पता चल जाता है फिर जैसी पीएच वैसा ही काम करो, सड़ी गली चीज़ें खिलाओ मत, बैलेंस्ड डाइट दो। बैलेंस्ड डाइट जो होती है उसमें क्या होता है,
भाई उसमें 30% अनाज भी लिया जाता है, तो 30% उसमें खली भी होती है, 30%+ उसमें दालें चना चोकर वगैरह ये भी होती है, तो साथ में मेथी सोयाबीन जो है वो भून करके वो भी दी जाती है, तो मिनरल मिक्सचर भी दिया जाता है, तो नमक भी दिया जाता है, ईंट जो आती है मिनरल की वो ईंट या आपके फिटकरी या काला नमक सेंधा नमक वो चाटने के लिए भी दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात पानी खूब पिलाइए। जो पशु पानी कम पिएगा वहां पर भी आप मान के चलिए कि बदबू आ सकती है, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाइए। ये सब काम अगर आप करेंगे, पानी ज्यादा, ये सब काम अगर आप करेंगे तो श्योरली जो बदबू आ रही है ना उससे छुटकारा पा लेंगे। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग की साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भाई हर महीने 5 तारीख से शुरू होती है, रामावत एनिमल ऐप पर आ जाइए, रामावत एनिमल ऐप पर, वहां पर मैं रोज रात को 10 से 10:30 के बीच लाइव भी आता हूं और वहां पर सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी, जो भी आपकी कमजोरी है वो दूर कर सकते हैं।